मैं बढ़िया सा चाइनीज फूड एक्सप्लोर करने निकल पड़ी हूँ और मैं आ गई हूँ सबके फेवरेट हरी फास्ट फूड पे। हम होशियारपुर के लोगों को ये जगह बहुत पसंद है व्हेन इट कम्स टू हैविंग स्पेशली चाइनीज फूड। सो अब यहीं पे आकर इनका सारा चाइनीज एक्सप्लोर कर रही है, बट उससे पहले अभी जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर टू नॉन सब्सक्राइबर की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो कई लोग जो वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड चलो वो बिना किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आई एम श्योर आप मेरी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, अभी जाके इस वीडियो को लाइक भी कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैंने ले लिया है इनसे स्प्रिंग रोल्स, मैंने लिए है हाफ प्लेट एंड इसमें मुझे मिले हैं 6 पीसेस, तो आई गेस इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। 35 रुपीज़ की इनकी हाफ प्लेट है। उन्होंने ग्रीन चटनी दी है और अच्छे से कुछ इन्होंने तले हुए जो नूडल्स मिलते हैं वो भी साथ में दिए हैं। जो स्प्रिंग रोल की आउटर कोटिंग है ना वो बहुत ही क्रिस्पी है और जो इसके नूडल्स हैं वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल हैं। नूडल्स में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए, येट इट इज़ रियली फ्लेवरफुल एंड जो इनकी चटनी है वो तो बहुत ही टेस्टी है। इन्होंने पुदीने और दही की आई चटनी बनाई है, बहुत ही खट्टी खट्टी सी चटनी है। दोबारा से इसकी बाइट लेके देखते हैं, बहुत टेस्टी है। इस बार मैं इसके साथ थोड़े से फ्राइड नूडल्स भी लूँगी। नूडल्स बिल्कुल ही परफेक्टली कुक्ड हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी चटनी बहुत टेस्टी है। स्प्रिंग रोल्स में इसके साथ बहुत ज़्यादा उनका फ्लेवर इन्हांस हो रहा है, सो इट्स रियली गुड। मुझे काफ़ी डिसेंट लगे ये, बट अभी बाकी डिशेज ट्राई करके पता चलेगा कि आज की स्टार डिश कौन सी है। हमारा सेकेंड डिश इज़ ऑफकोर्स सबके फेवरेट नूडल्स। वेन इट कम्स टू चाइनीज तो नूडल्स तो भाई खाने बनते हैं, तो मैंने इनसे ले लिए हैं अगेन हाफ प्लेट नूडल्स। इसमें ज़्यादा इन्होंने सोया सॉस नहीं डाला है, विच आई लाइक। मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर के नूडल्स अच्छे नहीं लगते एंड भाई वेजिटेबल्स भी इन्होंने काफ़ी भर भर के इसमें डाली हैं। देखते हैं तो इन्होंने इसमें कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है, विच आई लाइक। सो लेट्स टेस्ट दिस। इसमें वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाली हुई है और काफ़ी अच्छे से कुक भी करी हुई है। सॉल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, लाइक थोड़ा सा जैसे इन्होंने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया है, बट इट्स ओके, इतना भी ज़्यादा नहीं है। बट इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि इन्होंने विनेगर या सोया सॉस ज़्यादा नहीं डाला, तो नूडल्स का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो कैरेट्स हैं और जो कैप्सिकम है उसका क्रंच एकदम मेंटेन्ड है, जो एकदम ही सब्जी पक जाती है नूडल्स में वो अच्छी नहीं लगती, सो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैंने मंचूरियन भी लिया है उसके साथ में, इसको टेस्ट करूँगी, बट पहले हम मंचूरियन टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को साथ में खाएँ। सो हियर कम्स माई थर्ड मोस्ट फेवरेट चाइनीज डिश, विच इज़ ऑफकोर्स मंचूरियन। ये देखने में बहुत ही स्पाइसी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसका फायरी रेड सॉर्ट ऑफ कलर है। इसको देखते हैं टेस्ट करके, ओके ये हाफ प्लेट है, बट हाफ प्लेट के हिसाब से अच्छी क्वांटिटी है पीसेस की काफ़ी। ओके द बॉल्स आर क्वाइट क्रिस्पी एज ऑफ नाउ, काफ़ी देर हो गई इसको रखे हुए बट स्टिल बहुत ही क्रिस्पी हैं। मैंने इनसे ड्राई मंचूरियन लिया है, ग्रेवी वाला भी ले सकते हो। लेट्स टेस्ट दिस। मंचूरियन भी बहुत ही अच्छा है, ऑफकोर्स दे आर फेमस फॉर अ रीज़न, इनकी हर चीज़ काफ़ी टेस्टी होती है, बट इनका मंचूरियन मुझे स्प्रिंग रोल और नूडल्स से ज़्यादा अच्छा लगा। इसके फ्लेवर ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें सॉल्ट ज़्यादा नहीं है एंड इसमें कैप्सिकम और अनियन का जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई टेक अनदर बाइट ऑफ दिस। इसका मसाला है ना वो भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था बट बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुए हैं, दे आर क्वाइट क्रिस्पी विच आई लाइक। जो एकदम ही सॉगी हो जाता है मंचूरियन को अच्छा नहीं लगता, बट ये काफ़ी क्रिस्पी है। जिन्होंने वेजिटेबल्स डाली हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, जिसमें कैप्सिकम का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, बिकॉज इन्होंने ज़्यादा कैप्सिकम को कुक नहीं करा, तो उसका एक जो क्रंच आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मंचूरियन मुझे नूडल्स से ज़्यादा पसंद आया, अभी मैं मंचूरियन को नूडल्स के साथ टेस्ट करके देख, थोड़ा सा मैं मंचूरियन लूँगी इसको नूडल्स में डाल। लेट्स टेस्ट दिस। नूडल्स और मंचूरियन का कॉम्बिनेशन तो भाई अल्टीमेट है, मुझे नूडल्स के साथ मंचूरियन बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उनकी वजह से और स्पेशली मंचूरियन की वजह से नूडल्स का भी टेस्ट इन्हांस हो गया है। सो आई वुड से अगर आप इनसे नूडल्स लेना चाहते हो तो साथ में मंचूरियन ज़रूर लेना, बिकॉज कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अवर लास्ट डिश फॉर द डे इज़ मशरूम चिली, मुझे मशरूम बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई थॉट चलो मशरूम चिली टेस्ट करके देखते हैं। क्वांटिटी अगेन हाफ प्लेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे अनियन और कैप्सिकम तो दिख ही रहे हैं, काफ़ी इन्होंने डाइसेस करके डाले हैं, तो देखते हैं इसकी एक बाइट लेके। थोड़ी सी मैं कैप्सिकम लूँगी, मुझे कैप्सिकम और मशरूम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत पसंद है। लेट्स टेस्ट दिस।
बॉइल करके डाली, उस वजह से मशरूम का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। आउटर कोटिंग तो बहुत क्रिस्पी है और साथ में कैप्सिकम का जो टेस्ट है मशरूम का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन जिन्होंने मशरूम टिक्का खाया उनको पता होगा कि कैप्सिकम में सब मशरूम टेस्ट इज रियली गुड। अभी तक जो मैंने चीज़ें खाई उनमें से सबसे ज़्यादा जो एप्ट सॉल्ट है वो मुझे स्प्रिंग रोल और मंचूरियन में लगा। मशरूम चिली में भी थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा है, मे बी बिकॉज इसमें सॉसेस काफ़ी ज़्यादा है। मशरूम बहुत टेस्टी है, अगर सॉल्ट थोड़ा सा कम हो तो ये बहुत अच्छा लगता। अब वैसे स्टी साइड इट्स वेरी टेस्टी। स्टिल आई वुड से आज की सारे डिशेज में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया दैट वॉज मंचूरियन। मंचूरियन बहुत ही टेस्टी था, उसमें नमक भी एड था और उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था एंड स्पेशली नूडल्स के साथ इट वॉज टेस्टिंग लाइक एन अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। सो आई वुड से यहाँ पे आकर अगर आपको कोई एक या दो चीज़ लेनी है तो आप डेफिनेटली इनका मंचूरियन और नूडल्स ज़रूर लेना। सो गाइस आज की जो लास्ट जगह हम आए हैं दैट इज़ फ्रेंच बेकर्स। यहाँ से जो मैंने लिया है कुछ मीठा खाने के लिए, मैंने सोचा मीठा खा के ही अपनी वीडियो एंड करते हैं। इसका हमारी चाइनीज़ फूड से तो कोई लेना देना नहीं है बट आई थॉट कुछ तो मीठा खाना चाहिए। वैसे ही मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ बट पता नहीं वो क्यों शूट नहीं हो पाई एंड अभी उसकी फुटेज मिली नहीं रही, सो मुझे ये दोबारा शूट करनी पड़ रही है। तो अभी आपको जो मैंने लिया है वो आधा खाया हुआ दिखेगा, सो प्लीज़ बेयर विद मी। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया है एक डार्क चॉकलेट डोनट एंड ये देखने में इतना प्यारा लग रहा है एंड ये खाया हुआ इसलिए क्योंकि इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा फ्लफी है, इतना सॉफ्ट एंड पहले भी मैंने यही बोला था, दोबारा से बोलना पड़ रहा है बट इट्स एक्चुअली टेस्टी। बहुत ही फ्लफी है, बहुत ही सॉफ्ट है। आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं लगेगा आपको खा के कि आप कोई ड्राई चीज़ खा रहे हो या बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही जालीदार सा है तो पता चल रहा है कि बहुत सॉफ्ट और फ्लफी है एंड यही एक अच्छे डोनट की पहचान होती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, मीठा एकदम ही एप्ट है। ज़्यादा चीनी नहीं डाली हुई इसमें क्योंकि टॉपिंग भी स्वीट है तो इन्होंने अंदर ज़्यादा चीनी नहीं डाली, हल्का सा ये सॉल्टी साइड पे है वो अच्छा लग रहा है। मैंने इनकी फगवाड़ा चौक वाली ब्रांच से ये डोनट लिया है तो आई वुड से डेफिनेटली अगर आप यहाँ आते हो तो इनका डोनट तो ट्राई कर ही सकते हो। माय गॉड इनके पास डिजर्ट्स की इतनी वैरायटी है कि मैं क्या बताऊँ। एक चीज़ ट्राई करनी है तो आई वुड से आप यहाँ पे आके इनका डार्क चॉकलेट डोनट तो ले ही सकते हो, दैट्स रियली टेस्टी। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हरी फास्ट फूड और फ्रेंच बेकर्स दोनों की कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। बेकरीज पे एक फुल फ्लेज्ड वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, मुझे पता है काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो बहुत जल्दी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, सभी सब्सक्राइबर्स की बातें मैं सुनती रहती हूँ, उसी हिसाब से मैं सभी वीडियोस बनाऊंगी। सो ये भी वीडियो जल्दी आएगी बेस्ट बेकरीज के बारे में। मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो हरी फास्ट फूड है वो भी इसी रोड पे आते हुए सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है वो, तो अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो तो आप पता कर सकते हो कि सिविल हॉस्पिटल कहाँ पे है, उसके पास ही हरी फास्ट फूड है।